Assalamualaikum, welcome to my channel, खुशामदी। आज हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे वो है बहुत इजी और आसान, जो हम आपको अपना गरम मसाला दिखाते हैं जो हर उसमें अपनी रेसिपी में डालते हैं, तो वो हमारा होममेड है। तो आज हम आपको उसको बनाना बताएंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और हम कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। इसमें डालेंगे ये जो है बड़ी इलायची ली है हमने, वो है तकरीबन 15 से 20 है, ठीक है जी। और हमने ये जो है दालचीनी ली है, इसके बड़े पीस थे तो जनाब इसको हमने कूट लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है ताकि जो हमारे इसमें मिर्ची जार में आसानी से पिस जाए, ठीक है जी। और इसमें हम जनाब डालेंगे लौंग, ठीक है जी, ये हाफ प्याली है। और जनाब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, ठीक है जी, एक प्याली हमने ली है। बहुत टेस्टी गर्म मसाला बन के रेडी होता है और ये जब आप हांडी के अंदर ऐड करते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा खुशबू होती है, ठीक है जी। इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, तो इसमें जो सा है ये हमने एक प्याली और ये डेढ़ प्याली हमने जो है जीरा ऐड किया है, ठीक है जी। तो पादिया के फूल भी नहीं ऐड करेंगे और बेल लीफ भी नहीं ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये जो सा है हमारा, ये हमने लिए हैं जो कहते हैं जायफल और ये जावित्री, ठीक है जी। तो ये जो है जायफल, इसको हम थोड़ा सा इसको हम दरदरा कर लेंगे ताकि पिसने में आसान रहे, ठीक है जी। और बाकी मसाले हम इसमें ऐसे ही रहने देंगे। और अगर आपको इसमें ज़ीरा और ऐड करना है तो आप इसमें ज़ीरा और ऐड कर सकती हैं। इसमें दो जोंसी हैं, दो छोटी प्याली भी ज़ीरा जा सकता है। और फिर ये जो है इसका टेस्ट बहुत मज़े का और बहुत अच्छा होता है और खुशबू बहुत मज़े की आती है, ठीक है जी। तो चले अब हम इसको जोंसा है ये हमने अपना जार लिया है, ठीक है जी, इसमें हम पीसना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो सा है ये इसको इनको तोड़ेंगे और फिर हम आपको पीसना दिखाएंगे। देखो ये हमने इसको थोड़ा सा दरदरा कर लिया है, ठीक है जी। इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और जनाब ये सारा मिक्स हो गया। अब हम जो सा है इसको पीसना शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो एक ही बारी में सारा मसाला नहीं डालेंगे, ठीक है जनाब। बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बारीक पीसना है क्योंकि समटाइम हम कोरमा बना रहे हैं, कढ़ाई बना रहे हैं, तो उसमें इसका बहुत जोन सा है टेस्ट बहुत मजे का। और ये देखिए, ठीक है जी, ये सारा मसाला हमारे पीस गया, जो आधा बचा था वो भी हम डालेंगे। और ये जो हमने सारी चीजें आपको दिखाई हैं ये तकरीबन आपके 2 महीने लेंगे, इसमें सिर्फ आप इतना गर्म मसाला डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये बहुत तेज और बहुत स्पाइसी बहुत मजे का तैयार होता है। जब आप इस तरीके से बना के गर्म मसाला घर का रखेंगी तो आपको अंदाजा होगा जनाब आपने कितनी अच्छी चीज बना के अपने किचन में रखी है।
तो जनाब ये देखें, हमारा गर्म मसाला बन के रेडी है। ठीक है जी, इस तरीके से बनाइए और ये तकरीबन 2 महीने बड़े आराम से आपका चलेगा। ठीक है जी, तो इसको बनाइए और इंजॉय कीजिए। और जनाब अगर आपको ये लगे कि ये मोटा है तो आप इसको मज़ीद पीस सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हमने बारीक पीसा है। आपकी मिर्ची कैसा पीसती है ये आपको पता हो, तो आप इसको छान सकते हैं अगर आपको मोटा लगे तो, बिल्कुल बारीक कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो इसको एयर टाइट जार में बंद कीजिए और इसको बनाइए और इसके साथ अपने खानों का मज़ा दुबाला कीजिए। ठीक है जी, तो जनाब बनाइए हेल्थी, खाइए हेल्थी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।